मध्य प्रदेश के धार में शनिवार दोपहर एक सिरफिरे ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उसके गले पर कई बार चाकू से वार किए, जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक इलाज कर इंदौर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि गले पर वार से युवती की श्वास नली कट गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है दोनों के बीच अफेयर था और कुछ ही दिन पहले दोनों का ब्रेकअप भी हुआ था। घटना धार के दिलावरा रोड स्थित इमली बन में हुई है। सीएसपी देवेंद्र सिंह धुर्वे के अनुसार युवती जब घर पर थी तभी वहां आरोपी लखन पहुंचा। दोनों के बीच में पहले कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने युवती के गले पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सूचना मिलते ही सीएसपी सहित कोतवाली टीआई समीर पाटीदार मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता शिक्षक है, जिनका घर दिलावरा रोड पर इमली बन क्षेत्र में है। शनिवार दोपहर उनके घर पर दोनों बेटियां व बेटा टीवी देख रहे थे, तभी करीब 3 बजे आरोपी लखन अचानक घर में घुस आया और पुराने विवाद की बात को लेकर छोटी बेटी पर हमला कर दिया। आरोपी ने 19 वर्षीय युवती पर चाकू से हमला किया, जिससे उसके गले, पेट, सीने व कमर में चोट आई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद युवती की बड़ी बहन पड़ोसी की मदद से घायल को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर छत्रपाल सिंह चौहान ने बताया कि युवती को गंभीर चोट आई है, सांस लेने वाली नली कट गई है। चोट लगने के कारण खून अंदर तक चला गया है, साथ ही सीने, पेट व पीठ पर भी चोट आई है, जिसके कारण उन्होंने उसे गंभीर स्थिति में इंदौर रेफर कर दिया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार युवक युवती के बीच में करीब 4 साल से प्रेम प्रसंग था। दोनों की शादी के लिए परिजन सहमत नहीं थे, जिसके बाद करीब 7 महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हालांकि इसके बाद भी अब तक दोनों का रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ था। इस बीच शनिवार दोपहर अचानक युवक युवती के घर पहुंचा और प्रेम संबंधों को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान युवक ने युवती के गले पर जानलेवा हमला कर दिया। तो अभी सूचना आई है उसकी डेथ हो चुकी है। हमने आरोपी को राउंड अप कर लिया है। ये मोबाइल बंद करके लगातार फरार होने की फिराक में था। ऊपर से भी सारा रिपेयर कर दिया, लेकिन चोट लगने के कारण कुछ खून जो है वो अंदर चला गया उसके। इस कारण से हम लोग को उसको बच्ची को रेफर करना पड़ा। इसके अलावा भी 3-4 जगह और उन्होंने मतलब जो घाव है वो छाती पर भी है, पेट पर भी है, पीछे पीठ पर भी है।